Hey MyTBS की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इंडिया में अभी लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप लोग की शादियां तो रुकी नहीं। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर जो हैं, उनकी शादियां हो रही हैं और वो लोग चैनल पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हनीमून डेस्टिनेशन कौन सा अच्छा रहेगा, कुछ टाइम बाद का बता दीजिए। तो आज YT भारत पे मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, और जो अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। दोस्तों, मैं आज आपको इंडिया के एक ऐसे प्रदेश के बारे में बताने वाला हूं जहां पे पहाड़ भी हैं, झील भी हैं, नदियां भी हैं, शांति भी है, और जहां पर एडवेंचर की बात तो करें तो यार भर भर के है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के बारे में, और आपको 15 ऐसे हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगा जहां पर आप हनीमून के साथ साथ एज अ फैमिली भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, और आज YT भारत पर मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लेकर के आया हूँ। अब YT भारत की वेबसाइट मैंने लॉन्च कर दी है, जिसका वीडियो लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। आप जाकर के इस वेबसाइट पर सारे ट्रैवल पैकेजेस के साथ साथ इंडिया के अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी गुड न्यूज़ यह है कि YT भारत की ऐप भी अब लॉन्च हो चुकी है, जिसका मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वीडियोस भी देखिए YouTube पर, आप वेबसाइट पर भी जाइए ytbharat.com पर, और YT भारत की ऐप भी आप जाकर के डाउनलोड करिए और सारी जानकारी हासिल कर लीजिए। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, 15 हिमाचल प्रदेश के ऐसे फेमस हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं जहां पर हनीमून भी सेलिब्रेट करिए, फैमिलीज के साथ भी जाइए और फ्रेंड्स के साथ भी जाइए। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। नंबर 1 पर है शिमला, और शिमला के बारे में क्या कहना। शिमला हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत रोमांटिक स्थानों में से एक है। हनीमून मनाने के लिए शिमला में बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, क्योंकि यह भारत का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिमला का माल रोड, दर्रेज, टॉय ट्रेन और औपनिवेशिक वास्तुकला यहां आने वाले पर्यटकों, हनीमूनर्स और परिवार के बीच काफी लोकप्रिय है। अब आते हैं दूसरे सबसे फेमस हनीमून डेस्टिनेशन पे हिमाचल प्रदेश के, जिसे हम सभी कुल्लू मनाली के नाम से जानते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश के सबसे शानदार स्थलों में से एक है। हनीमून मनाने के लिए आने वाले नए शादीशुदा जोड़े यहाँ की खूबसूरत वादियों में खो जाते हैं और अपने हनीमून के सफर को बहुत ही यादगार बना लेते हैं। यह रोमांटिक प्लेस हरे भरे जंगलों, नदियों, सुंदर घाटियों और मंदिरों से लिए प्रसिद्ध है। मनाली आने वाले पर्यटक यहाँ रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण आदि जैसी कई साहसिक खेल गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं। अब दोस्तों, आ जाते हैं तीसरे एक फेमस हनीमून डेस्टिनेशन पे, जिसको हम लोग जानते हैं धर्मशाला के नाम से। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का बहुत आकर्षक पर्यटक स्थल है, जो कि कांगड़ा से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। हनीमून मनाने के लिए धर्मशाला में बहुत अच्छे रिजॉर्ट हैं, जहां आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ ही धर्मशाला धार्मिक स्थल भी बहुत सारे हैं धर्मशाला में, जहां लोग बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति को सीखने के लिए आते हैं। बर्फ से ढके हुए पर्वत धर्मशाला के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो हनीमून कपल्स का काफी अट्रैक्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसे हम कहते हैं चैल। चैल हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हनीमून स्थानों में से एक है। चैल पहाड़ों पर बसा हुआ खूबसूरत और रोमांटिक शहर है, जो बहुत ही शांत है। आप अपने पार्टनर के साथ नए जीवन की शुरुआत में चैल के शानदार दृश्य के साथ साथ अपने सफर को बहुत यादगार बना सकते हैं। आ जाते हैं पांचवें प्लेस पे, हिमाचल प्रदेश की बर्फ में हनीमून के लिए सोलन। सोलन हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी चोटियों का एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जो कि हनीमून के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। सोलन के शानदार वातावरण में ना चाहते हुए पर्यटक खो जाते हैं। शोर शराबे से दूर बहुत ही शांत स्थान होने के कारण सोलन लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गया है। अब आ जाते हैं कसौली। कसौली हिमाचल प्रदेश के हनीमून स्थानों में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। कसौली ब्रिटिश साम्राज्य से संबंधित है, जहां भी ब्रिटिश साम्राज्य के विचित्र अवशेष देखने को मिल जाते हैं। यह रोमांटिक शहर न्यू मैरिड कपल्स के लिए एक अलग माहौल बनाने वाला
स्थान है। नेक्स्ट है डलहौजी। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का पहाड़ियों पर स्थित बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। पाइन क्लैड की घाड़ियां और झालर द्वार पहाड़ डलहौजी के आकर्षण केंद्र बिंदु बने हुए हैं। डलहौजी में विदेशी पर्यटक भी हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए हर साल पहुंचते हैं। आठवां प्लेस है किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र जो कि किन्नौर देवी की भूमि के रूप में लोकप्रिय स्थान बन गया है, हनीमून मनाने के लिए किन्नौर की हरी भरी घाटियां और ठंडे पहाड़ प्रेमियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्लेस पे जो है हिमाचल में सबसे खूबसूरत हनीमून की जगह स्पीति घाटी। हिमाचल प्रदेश की हनीमून डेस्टिनेशन में शामिल स्पीति वैली दुनिया में सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। ट्रैकिंग के माध्यम से इस घाटी को एक्सप्लोर करना पर्यटकों को एक खास अनुभव प्रदान करता है। अपनी ट्रैकिंग के दौरान पर्यटक कुछ उच्चतम और अद्भुत मठों की यात्रा कर सकते हैं और एक होमस्टे के रूप में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ रह सकते हैं। यहाँ के रास्तों पर ट्रैकिंग करना अपनी जिंदगी के एक यादगार पलों का आपको अनुभव प्रदान करेगा। नेक्स्ट है बिलिंग घाटी हिमाचल प्रदेश। बिलिंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक छोटा शहर है। रोमांचकारी खेलों जैसे पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, मेडिटेशन के लिए जाना जाता है। यह स्थान हनीमून डेस्टिनेशन में भी गिना जाता है। पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया के सबसे स्थानों में से एक है। यहाँ पर हर साल वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी करी जाती है। इसमें टेक ऑफ साइट को बिलिंग कहा जाता है और लैंडिंग साइट बीर कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का बीर शहर मेडिटेशन के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पर मेडिटेशन का एक प्रमुख केंद्र भी है। हनीमून प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। नारकंडा हिमाचल प्रदेश का बहुत लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशन है। नारकंडा सेब के बागों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तटु जबार झील और यहाँ की सुंदरता हर पर्यटक के मन को मोह लेती है। नारकंडा में बर्फबारी के कारण पूरा वातावरण ठंडा रहता है, जो कि प्रेमियों के लिए अलग ही एंजॉय देने वाला स्थान बन जाता है। नेक्स्ट है हनीमून डेस्टिनेशन तीर्थन घाटी। तीर्थन घाटी हनीमून के लिए सबसे शानदार जगहों में से एक है। हिमाचल प्रदेश की यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध तीर्थन घाटी शांति का प्रतीक माना जाता है। अपने पार्टनर के साथ सुंदर पहाड़ियों में घूमने का आनंद लेने का अनुभव बिल्कुल अलग ही आप महसूस करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हनीमून के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक चितकुल। चितकुल हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन में शामिल है। चितकुल अपनी लुभावनी सुंदरता, शांत वातावरण के उत्कर्ष पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। इस गांव में आर्किड पहाड़, विशाल चट्टाने, नदी, जंगल और घास के मैदान है। चितकुल गांव में कोई भी ट्रैकिंग के लिए जा सकता है। यह गांव वन्य जीवों के लिए एक वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह भी बना हुआ है। नेक्स्ट है मैक्लाइडगंज। मैक्लाइडगंज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला की गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदर बेहतरीन हिल स्टेशन है। हनीमून के लिए यह स्थान बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों में ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है खजिहार। खजिहार हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले शहर डलहौजी शहर के पास स्थित है। हनीमून के लिए यह शानदार स्थान बहुत ही लोकप्रिय बन गया है। खजिहार में जंगल, चारागाह, झील और यहाँ की ऊंची घाटियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो दोस्तों, ये आपके 15 हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इससे जुड़े हुए अगर आपको कोई भी सवाल रह जाते हैं तो YT भारत पर आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।